Hello friends and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. Today I am going to discuss about bioprocessing products and their sources, video part 2. आज हम लोग बात करेंगे अपने बायोटेक प्रोडक्ट्स के बारे में, जिनको हम लोग बायोप्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं. और इस सीरीज की हमारी ये थर्ड वीडियो है, यानी हमारे जो बायोप्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स हैं एंड दियर सोर्सेज, जो हमारा एक सीरीज है, इस सीरीज की हमारी ये थर्ड वीडियो है. और ये आप लोगों के गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम, आप लोगों के गेट लाइफ साइंस एग्जाम या अनदर जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट एग्जाम है हमारे बायोलॉजिकल डोमेन के, उन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी सीरीज हाईली इम्पोर्टेंट है, हाईली क्रूशियल है. तो फ्रेंड्स, मेरा ये आप लोगों को एक सजेशन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सीरीज की हमारी जितनी भी वीडियो है उन सभी वीडियो को देखें. इन सभी वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के जो हमारे बायोलॉजिकल डोमेन्स के सभी एग्जाम है, वहां पे आप लोगों के बहुत सारे नंबर फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे फ्यूचर में भी पूछे जाएंगे. तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सीरीज की सभी वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से अंडरस्टैंड करें. और जो मैंने आप लोगों को यहां पे, जो मैं आप लोगों के साथ में सॉरी ट्रिक्स शेयर करता हूं, उन सभी ट्रिक्स को आप लोग अच्छे से यहां पे समझें और उनको अप्लाई करें अपने एग्जाम में जाके, और अपने नंबरों को आप लोग या अपने मार्क्स को आप लोग वहां पे फिक्स करें. तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा यहां पे पॉइंट है वो है हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, आप लोग जानते हैं कि स्टेशनरी फेज में प्रोड्यूस होते हैं. किसी भी सेल कल्चर का जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है, उस स्टेशनरी फेज में हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं. तो जो हमारा यहाँ पे आज सोर्स है हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, यानी जिस सोर्स से हम लोग अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है हमारे यहाँ पे प्लांट्स. प्लांट्स से हम लोग आज अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और देखेंगे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो कैसे कैसे प्लांट्स जो हमारे सोर्स हैं, कैसे कैसे वहां से प्रोड्यूस होते हैं, कौन से सोर्स को हम लोग यूज करते हैं प्लांट सोर्स को सॉरी, और उसका क्या फंक्शन है जो हमारा प्रोडक्ट वहां पे हमें मिल रहा है. तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को. तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ प्लांट्स, तो यहाँ पे हमारा एट्रोपिन है, जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो हमारा एट्रोपिन है. एट्रोपिन का जो प्लांट सोर्स है वो है हमारा यहाँ पे एट्रोपा बेला डोना, ठीक है. और जो हमारा फंक्शन है इसका, ये है मसल रिलैक्सेंट, ये मसल रिलैक्सेंट की तरह वर्क करता है. आपने देखा होगा एक डिजीज होती है जो हार्ट से रिलेटेड है, वो हमारी डिजीज कार्डिक अरेस्ट है. तो कार्डिक अरेस्ट में जो है हमारी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स नहीं कर पाती, तो वहां पे हम लोग किसी भी एक मसल रिलैक्सेंट को यूज करते हैं फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स. तो ये बात हो गई एट्रोपिन की. अब हम लोग बात करते हैं मॉर्फिन की. मॉर्फिन हमारा यहाँ पे सेकंड हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलाइट है सॉरी, जिसको हम लोग प्लांट से सिंथेसाइज करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ प्लांट हम लोग इसको सिंथेसाइज करते हैं. और ये हमारे गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में 2016 में पूछा गया है. तो फ्रेंड्स, इसका जो सोर्स प्लांट है वो है हमारा पेपावर सोमनी फेरम, ठीक है. ये हाईली इम्पोर्टेंट है हमारा सेकंड जो हमारा यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है. आप लोग इसको अच्छे से देखें. और इसका जो फंक्शन है वो है अनाल्जेसिक. अनाल्जेसिक मीन्स, अगर हम लोग इसकी बात करें तो अनाल्जेसिक्स मीन्स होते हैं जो हमारे पेन रिलीवर होते हैं, यानी पेन अगर कहीं पे हो रहा है तो पेन को अगर कम करना है तो वहां पे हम लोग अनाल्जेसिक्स यूज करते हैं. ये बात हो गई हमारे मॉर्फिन की. अब हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट की, है हमारा डाइजोक्सीन है हमारा, ठीक है. तो इसको हम लोग सोर्स जो इसका प्लांट है, सोर्स प्लांट जो इसका है वो है इसका डिजिटेलिस स्पीसीज, ठीक है. और इसका फंक्शन है कार्डियोवास्कुलर डिजीज में, ठीक है. इस जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा डायोएसजिनिन हमारा है. इसको हम लोग जो सोर्स प्लांट है हमारा, ये हमारा डायोएसकोराई टियोडा, ठीक है. और इसका जो फंक्शन है वो है हमारा एंटी फर्टिलिटी, ठीक है. नेक्स्ट जो हमारा है विन ब्लास्टिन एंड विन सिस्टीन, इसको हम लोग जो हमारा सोर्स प्लांट है वो है हमारा कैथारेन्थस, ठीक है. और ये हमारा यहाँ पे फंक्शन इसका एंटी कैंसर, इसको हम लोग एज अ एंटी कैंसर यूज करते हैं, ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, ये हमारा कोल्सीचीन. कोल्सीचीन जो है हमारा
इसका जो सोर्स प्लांट है यानी जिस प्लांट सोर्स से हम लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं वो है हमारा टेक्सस, और ये भी हमारा एंटी कैंसरस एक्टिविटी शो करता है। नेक्स्ट हमारा टैक्सोल है। टैक्सोल आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा और कई सारे एग्जाम में टैक्सोल से क्वेश्चन आए भी हैं, तो इसको आप लोग बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें। तो ये है हमारा सोर्स प्लांट इसका कोल सी कम, और ये हमारा एंटी मायोटोटिक है ये, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अपने रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स के बारे में। रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स जो हमारे होते हैं, इन सभी प्रोडक्ट्स को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं या सिंथेसाइज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स या टूल्स को या स्टेप्स को हम लोग यूज करके अपने रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स सिंथेसाइज करते हैं, अपने रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। यहाँ से भी कई बार बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जो हमारे इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल डोमेन के एग्जाम है पूछे जा चुके हैं यहाँ से भी, ठीक है। तो इंसुलिन जो है हमारा, इंसुलिन आप लोगों ने देखा होगा, इंसुलिन हमारा यहाँ पे, ये सभी हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट हैं और ये सभी हमारे यहाँ पे सोर्स एक तरह से ऑर्गेनिज्म है। यहाँ से हम लोग, इन सोर्स से हम लोग इन सभी प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज करते हैं। तो इंसुलिन को हम लोग सिंथेसाइज करते हैं रिकॉम्बिनेंट इकोलाई की हेल्प से, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट इकोलाई को हम लोग यूज करके इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। रिकॉम्बिनेंट इकोलाई मीन्स कि हम लोग जो हमारा, आप लोगों ने देखा होगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग वेक्टर को यूज करते हैं और वेक्टर के अंदर हम लोग अपना जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंसर्ट कराते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो एज अ होस्ट हम वहां पे रिकॉम्बिनेंट इकोलाई को यूज करते हैं, जिस होस्ट के अंदर हम लोग अपने वेक्टर को एक तरह से उसको हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो उस वेक्टर को हम लोग अपने होस्ट के अंदर ही वहां पे इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो उस वेक्टर को हम उस होस्ट को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट इकोलाई। तो यहाँ पे ये रोल है रिकॉम्बिनेंट इकोलाई का। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, ग्रोथ हॉर्मोन। ग्रोथ हॉर्मोन भी हम लोग रिकॉम्बिनेंट इकोलाई की हेल्प से ही बनाते हैं। इंटरफेरोन अल्फा 2 भी हम लोग रिकॉम्बिनेंट इकोलाई की हेल्प से ही बनाते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड टूल्स को यूज करके हेपेटाइटिस बी जो है हमारा, हेपेटाइटिस बी का जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको भी हम लोग रिकॉम्बिनेंट ईस्ट की हेल्प से बनाते हैं। और जो हमारा एरिथ्रोपोइटिन हमारा है, इसको भी हम लोग इसको हम लोग बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट मेमेलियन सेल की हेल्प से। जो हमारा फैक्टर VIIC है, इसको भी हम लोग बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट मेमेलियन सेल की हेल्प से। और जो हमारा टिश्यू प्लाज्माइनोजन एक्टिवेटर है, इसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट मेमेलियन सेल की हेल्प से ही बनाते हैं। जो हमारे यहाँ पे सेवेंथ पॉइंट है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, इससे क्वेश्चन हमारा पूछा गया है हमारे गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस पॉइंट को यहाँ पे अच्छे से कहीं पे अपनी नोटबुक में नोट करना है, देन आप लोग इसकी स्टडी करें। यहाँ से बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आगे भी हमारे गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ये वीडियो हाईली इम्पोर्टेंट होगी, हाईली क्रूशियल होगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी बेस्ट विशेज हैं आप लोगों के गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम के लिए, क्योंकि गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम जो है अभी हमारा आने ही वाला है। तो आप लोग अपने गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें, अच्छे से तैयारी करें, और बिल्कुल भी आप लोग टेंशन ना लें, बिना टेंशन के आप लोग तैयारी करें, तो आप लोगों का जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और आप लोग अपने फ्यूचर में बहुत ही अच्छा करेंगे। मेरी बेस्ट विशेज और चिकीज बायोलॉजी की जो बेस्ट विशेज हैं वो हमेशा आप लोगों के साथ हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना न भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी आप लोगों को ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं, ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ में जुड़ा रहूं, ऐसे ही आप लोगों के साथ में अपने कॉन्सेप्ट में शेयर करता रहूं, या आप लोगों के साथ में नॉलेज शेयर करता रहूं जो आप लोगों के लिए हाईली बेनिफिशियल हो आपके फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से, तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक ऐसा
आप लोगों के पास में फैक्टर है जिस फैक्टर की हेल्प से आपका और मेरा जो एक रिलेशन है वो यहाँ पे बना रहेगा। तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।